subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आसमान से गिरी बिजली मृतक महिला के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने पहुंचे SDM और विधायक। जी हां, आपको बताते चले, मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र के अंतर्गत ईसापुर पानी की टंकी के पास तारीख 6/3/2020 को आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई थी। जानकारी के मुताबिक, आपको बताते चले, पूनम पत्नी सत्य प्रकाश निवासी ईसापुर अपने खेतों पर चारा लेने के लिए गई थी। महिला पूनम की मौत के बाद सरकार के अधिकारियों ने अपने संज्ञान में लेने के बाद लगाई थी रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद सरकार ने सत्य प्रकाश के खाते में मदद के लिए 4 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं। मौके पर महावन SDM हनुमान प्रसाद मौर्य व गोकुल विधायक पूरन प्रकाश पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी है। यह राशि सीधे पीड़ितों के बैंक खाते में भेजी गई है। एक दुखद घटना परसों घटी है। आकाशीय बिजली से के गिरने से पूनम देवी की मृत्यु हुई है। उसी क्रम में देवी आपदा के तहत आज माननीय विधायक जी के हाथों से एक प्रमाण दिया गया है। 4 लाख रुपए उनके पति के खाते में दिया गया है और ये 24 घंटे के अंदर दिया गया। यद्यपि इस राशि का कोई अर्थ नहीं है, एक जान की कीमत बड़ी अमूल्य है, बहुत संवेदनशीलता की स्थिति होती है, लेकिन समय से उनकी एक आर्थिक मदद ये की गई है। और इनके 3 बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार भी है ये। माननीय विधायक जी ने ये भी आश्वासन दिया है कि विवेकाधीन कोष से माननीय मुख्यमंत्री जी के मदद से इनकी अलग से भी मदद कराई जाएगी। तहसील महावन में ये हमारा जहाँ हम खड़े हैं, पानी की टंकी ईसापुर पड़ता है। इसमें 6 तारीख को परसों मात्र जो है आपके अभी 20 घंटे भी नहीं हुए, इससे पूर्व में एक आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ की पूनम, श्रीमती पूनम वो पत्नी आपकी सत्य प्रकाश और सत्तो, उसकी आकस्मिक डेथ हो गई थी। जैसे ही मिला पता लगा, हमारे SDM महावन श्री हनुमान प्रसाद जी ने खुद उसको देखा, अपने संज्ञान में लिया और इतनी त्वरित कार्रवाई ये पहली बार देखने को मिल रही है कि 6 तारीख की आपकी परसों की घटना, 7 तारीख की रात को इस सत्य प्रकाश पूनम के पति के खाते में 4 लाख रुपया देवी आपदा में जो मृत्यु हुई उसमें सरकार के द्वारा इनके खाते में दे दिया गया। आज 8 तारीख को सुबह 9 बजे हम, हमारे SDM साहब श्री हनुमान प्रसाद जी, महावन तहसील, पूरा स्टाफ सब यहाँ पर उसको, यहाँ पर भुगतान की राशि के कागज वो सब देने यहाँ पर आए हैं। ऐसे तो जो चला गया नहीं आ सकता, लेकिन हमारा सरकार का और जनप्रतिनिधि का जो धर्म है, कर्तव्य, वो पूरा बस दस्तूर निभाया। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने SDM महावन को कि उन्होंने इतनी जल्दी तुरंत कार्रवाई करके के 4 लाख रुपया तो उसके सत्य प्रकाश के खाते में भिजवा दिया गया। मैं यही अपेक्षा करूँगा, जैसे कि कल परसों से जो भारी बारिश हो रही है उसमें भी हम सब लोग लगे हैं और जो किसान भाई है उनको भी हम जो है, जो उसको नुकसान हुआ है, चाहे आलू की फसल हो, चाहे गेहूँ की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो, उनको जो आर्थिक सहयोग दे सके उसके लिए पूरा सर्वे करा के हर लेखपाल कानून को सब लगे हुए हैं, वो भी जल्दी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। कितने बच्चे थे इसके? सत्य प्रकाश के 3 छोटी छोटी बिटियां हैं, एक तो सबसे छोटी मात्र 6 माह की है, 3 महीने की है। और इतना ही नहीं, जो घर है उसमें भी आप देखिए छत नहीं है, भी आपने देखा सबरा नीचे कच्चा मकान है। ये 4 लाख देने के अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री हमारे एक सहायता कोष होता है, हम उसमें भी इसमें अग्रसित कार्रवाई कराएंगे और मकान आकान के लिए भी उसको भी आगे हम आवास का भी हम प्रयास करेंगे।